मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का उज्जैन में आज एक अलग अंदाज देखने को मिला। बता दें, उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की चिंतामणि यूनिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लड्डू प्रसादी बनाई, इसकी पैकिंग भी की। सीएम सोमवार को यहां निरीक्षण पर पहुंचे। आज लड्डू के यूनिट पर आए हैं, किस प्रकार का पूरा आयोजन? हम सबका सौभाग्य है उज्जैन के सुप्रसिद्ध और भारत के सुप्रसिद्ध सम्राट यशस्वी विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले जो अयोध्या में जाकर के भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जो मंदिर काल के प्रवाह में आतंकवादियों ने, आतंकवादियों विदेशी लोगों ने तोड़ा है, बाबर के नाम से जिनको जाना जाता है, ऐसे में मंदिर का पुनः भगवान का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है। माननीय मोदी जी स्वयं वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं, तो हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं, और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए, 5 लाख लड्डू परसों पहुँच करके हम समय पे 21 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुँचाने वाले हैं, तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवंत, 2000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करेगा, जब हमारा उज्जैन और अवंतिका का और अयोध्या का रास्ता जुड़ेगा। नस्तम का हमारा अपना संबंध है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान राम उज्जैन भी आए थे, उनके जीवन के प्रसंगों से उज्जैन भी शोभायमान हुआ था, ऐसे में हमारा उस इतिहास को जीवंत करने के लिए और सरकार अपने दायरे में रह करके हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के दिशा में भी इस दिशा में काम करें। देश के प्रत्येक मंदिरों में आयोजन होंगे 22 जनवरी को, मध्य प्रदेश और उज्जैन में किस प्रकार का रहेगा? निश्चित रूप से मैं स्वयं 22 तारीख को चित्रकूट में रहने वाला हूँ, और हम अपने प्रदेश से रह करके वो जो अद्भुत छटा निहारेंगे उसका हमारा सबका सौभाग्य होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ था, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो इतनी बड़ी एक तरह से वर्षों पुरानी जिस बात को लंबित किया था कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने, उसका न केवल समाधान खोजा बल्कि हिंदू मुसलमानों की एकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो एक तरह से 22 तारीख को हो रहा है, जब हम सब जानते कि 50 साल तक जो परस्पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लड़ते रहे, वैसे वो मुस्लिम बंधु अगर धर्म के इस मार्ग पे हिंदू भूषण को की भावना का सम्मान करते हुए वो अगर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि वो इस मामले में एक निश्चित अपना स्टैंड बदले और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं सम्मिलित हो, कांग्रेस को विचार करना चाहिए। ड्राई डे निश्चित रूप से हमने 22 तारीख को ये जो दिन है अपनी सरकार के माध्यम से ड्राई डे घोषित किया है कि हर हालत में हमारी अपनी इस आस्था के पर्व पे किसी प्रकार के व्यसन की कोई दुकान चालू नहीं देगी। नमस्कार, मैं हूं लेख मालविया और आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज। उज्जैन में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 5 लाख लड्डू यहां से भेजे जा रहे हैं अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की मूर्ति का लोकार्पण 22 जनवरी को होना है। यहां पर उज्जैन की तरफ से 5 लाख लड्डू महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अयोध्या भेजे जा रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारियाँ आप हमारे साथ देखिए। यहाँ पर लाखों की संख्या में जो लड्डू यूनिट द्वारा यहाँ पर पैकिंग कार्य किया जा रहा है, साथ ही आप पैकिंग देखेंगे इसकी, इस पर भी आपको महाकाल मंदिर का चित्र अंकित मिलेगा, महाकाल मंदिर भोग प्रसाद। जी हाँ, यहाँ पर पैकिंग कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, लाखों की संख्या में जो 3 लाख 3.5 लाख लड्डू अभी तक बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, और 2 से 3 दिन के अंदर यह 5 लाख लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत जल्द अयोध्या पहुँच जाएंगे। आज इस यूनिट को देखने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यहां पर अभी पधारे, उन्होंने यूनिट का अवलोकन किया, साथ ही अंदर जाकर उन्होंने पूरी यूनिट का अवलोकन कर स्वच्छता की और पैकिंग की पूरी जांच की। आप देख रहे हैं उज्जैन से खबरदार न्यूज़ के लिए नीलेश मालवीय की रिपोर्ट। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू भेजे जाने हैं, जिनका वजन 250 क्विंटल और कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। भगवान राम को प्रसाद स्वरूप ये लड्डू प्रसादी चढ़ाई जाएगी। महाकाल मंदिर की लड्डू यूनिट में प्रसादी बनाने की प्रक्रिया 3 दिन पहले ही शुरू कर दी गई थी। आज 4थे दिन की सुबह तक 4 लाख लड्डू बन भी चुके हैं, मंगलवार तक सारे लड्डू बना लिए जाएंगे। इन लड्डुओं को 5 ट्रकों के जरिए अयोध्या पहुँचाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सौभाग्य है
कि 2000 साल पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या के राम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसे आततायियों ने नुकसान पहुंचाया, अब फिर रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। इसलिए हम अवंतिका नगर से 5 लाख लड्डू भेजकर पुराने रिश्ते को जीवंत कर रहे हैं। सीएम ने बताया कि 22 जनवरी को वह चित्रकूट में रहेंगे। इस दिन प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया गया है। उज्जैन से हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।